Can you hear me? We can start. Please reply in the chat box. Mr. Suhas, Mr. Dheeraj. Can you hear me? Please reply. Devika, can you hear me? Are you all able to see my screen? Okay. Just wait 1 minute. Yeah, it started. I'll just message. It started now. Just wait for 2-3 minutes because let others also join this. In starting, I was facing some problem. Yeah. Okay. So last webinar, सबको याद है? Please reply. Setups याद है? How many of you remember all the setups? Setups याद है? Setups याद है? चलो. स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं. मेरा स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज रिप्लाई. स्क्रीन विजिबल है? यस. सो ये क्रूड ऑयल का चार्ट है. क्रूड ऑयल का 2 आवर का चार्ट है. ओके, आवरली नहीं है, 2 आवरली चार्ट है. यहां पर आपको एक काफी अच्छा ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है. ट्रायंगल पैटर्न कितने लोग यूज करते हैं? इसमें ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है अभी. ये किसी भी तरफ ब्रेकआउट दे सकता है. ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो क्रूड ऑयल पे ध्यान देना. इसमें थोड़ा एक्टिव रहना आज. इसमें मूवमेंट आ सकता है. क्रूड ऑयल में बड़ा मूवमेंट आ सकता है. ट्रायंगल बन रहा है 2 आवरली के चार्ट पे. ठीक है. ओके. सो हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था? हम लोगों ने कवर किया था बिग ग्रीन कैंडल, बिग रेड कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, हैमर एंड डोजी, वेरियस टाइप ऑफ डोजीज. ये 5 सेटअप कवर किए थे हम लोग ने. टाइप्स ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. करेक्ट, सबको याद होगा. स्टॉक्स में भी चलेगा ये स्ट्रेटेजी. करेक्ट, स्टॉक्स में भी मैंने आपको बताया था. अब हम लोग क्या सीखेंगे? अब हमारे टॉपिक्स बचे हैं, 3 टॉपिक्स बचे हैं. स्ट्राइक सिलेक्शन, पोजीशन साइजिंग एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रूल्स. ये 3 टॉपिक बचे हैं. सो रेडी, ये सीखते हैं हम लोग. आर यू ऑल रेडी? प्लीज रिप्लाई. देविका, सुहास, मिस्टर धीरज, मिस्टर दिव्य निवार. ओके. तो सबसे पहले स्ट्राइक सिलेक्शन, देन पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, देन लास्ट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रूल्स. तो लेट्स स्टार्ट. तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इतना बड़ा अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है, पहला ग्रीन कैंडल बन रहा है इतना बड़ा फर्स्ट कैंडल, ठीक है, नीचे की तरफ टेल हो सकता है. सबको याद होगा यहां पर रिट्रेसमेंट पे आपको 50% रिट्रेसमेंट पे अगर आएगा तो हमें कॉल बाय करना है. यस और नो प्लीज रिप्लाई. यहां पे याद है? स्क्रीन नहीं किया, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, वापस शेयर कर रहा हूँ बेटा. हाँ, यहाँ पे शेयर हुआ, स्क्रीन दिख रहा होगा. ये याद है ना सबको? यहां पर हम लोग कॉल बाय करेंगे. करेक्ट, ये लेवल पे कॉल बाय करेंगे. याद है ना ये कॉल बाय करेंगे? यहां तक रूल याद है सबको? ओके. सो नाउ एज्यूम कि यहां पर स्ट्राइक प्राइस या फिर यहां पर निफ्टी का जो फ्यूचर का लेवल है या निफ्टी का स्पॉट का लेवल है वो चल रहा है फॉर एग्जांपल लेट से 15,000
800 for example. Okay, 15,820 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 15,820. तो 15,820 के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा हुआ, कैन एनीवन टेल मी? 15,820 के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा हुआ? 15,800. तो हम लोग 15,800 का कॉल बाय करेंगे. इज दिस पार्ट क्लियर? 15,800 का कॉल बाय करेंगे, करेक्ट है? स्ट्राइक सिलेक्शन समझ में आ रहा है? अगर यहां पर लेट से 840 होता तो 15,840 के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 15,840 के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 15,850. तो वो हम लोग कॉल बाय करते. सो एनी स्ट्राइक प्राइस विच इज क्लोजेस्ट टू योर बाइंग एरिया. इज दिस पार्ट क्लियर? यहां पर हम लोग लिख लेते हैं स्ट्राइक रूल. Buy any strike price which is closest to your buying area setup. Correct? So, जहां पर आपका buying आ रहा है, for example, let's say, अगर red candle बन रहा है यहां पर, ठीक है, ये वाला एक काम करो, इसका पहले फोटो ले लो. टेक पिक्चर ऑफ दिस एंड रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन. इसका पहले फोटो ले लो एंड रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन. डन. ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे यहां पर अगर बड़ा रेड कैंडल बनाए, बड़ा रेड कैंडल बनाए, प्राइजेस थोड़ा ही रिट्रेस हुआ है, इतना ही रिट्रेस हुआ है, एंड यहां पर प्राइजेस फिर फॉल होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और यहां पर स्ट्राइक प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस नहीं, करंट मार्केट प्राइस जो है वो है 15,690 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. स्पॉट प्राइस के हिसाब से ले लो स्ट्राइक प्राइस, दैट विल बी परफेक्ट. निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है उसके हिसाब से लेना है. तो यहां पर हम लोग कॉल बाय करेंगे कि पुट बाय करेंगे एज पर आवर सेटअप? पहले मुझे ये बताओ, कॉल बाय करेंगे कि पुट बाय करेंगे? पुट बाय करेंगे, वेरी गुड. कौन सा पुट बाय करेंगे, कैन एनीवन टेल मी? मिस्टर देवे निवार, मिस्टर राकेश, प्लीज रिप्लाई. कौन सा पुट बाय करेंगे? देविका, जीवानी, मिस्टर शैलेश, क्या रिप्लाई करना है आपको? कौन सा पुट बाय करेंगे? पुट बाय करेंगे, करेक्ट. कौन सा पुट बाय करेंगे? 15,700 का पुट बाय करेंगे. समझ में आ रहा है? स्ट्राइक सिलेक्शन क्लियर है क्या? एक काम करते हैं, स्टॉक्स का भी एग्जांपल लेते हैं. पहले एक काम करो, इसका भी फोटो ले लो, फिर मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता हूं तो बेटर समझ में आएगा, फिर हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं. इसका फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन. डन, लिया फोटो. ठीक है, फोटो लिया है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, चार्ट पे एग्जाम्पल देखते हैं, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का हम लोग लेते हैं HDFC AMC, इसमें मैंने ट्रेड लिया था, HDFC AMC मैंने सेल लिया था आज, तो इसका 15 मिनट का चार्ट हम लोग ओपन कर रहे हैं. पहला कैंडल, फर्स्ट कैंडल, याद है ये सेटअप, इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल, प्लीज रिप्लाई. याद है ये सेटअप, ये वाला सेटअप मैंने सिखाया है, प्लीज रिप्लाई. लास्ट वेबिनार में ही सिखाया है. ये HDFC AMC का कैंडल है, 15 मिनट का चार्ट का, स्टॉक का, ये सिखाया है, यस और नो प्लीज रिप्लाई. याद है सबको? देविका, शैलेश, जीवानी, याद है? प्लीज कंफर्म.
मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? करेक्ट। तो जब इसका लो ब्रेक हो रहा है, लो ब्रेक हुआ तो क्या प्राइस है? लो ब्रेक हुआ तो प्राइस क्या है? 1800। तो हम लोग 1800 का पुट बाई करते हैं। इतना समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। इतना क्लियर है? यस। एट द मनी जो भी क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो हमें कॉल या पुट बाई करना है। जीवनी करेक्ट। जो भी क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस है ना वो हमें कॉल या पुट बाई करना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने कोटक बैंक भी सेल दिया था, ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस ग्रुप में कोटक बैंक भी सेल दिया था मैंने। तो ये देखो यहाँ पर कोटक बैंक भी परफेक्ट सेटअप है। प्लीज रिप्लाई। ये भी मैंने आपको कैंडल सिखाया है, यस और नो? और यहाँ पर भी हम लोग 1700 के आसपास का पुट बाई करते, 1700 का पुट बाई करते, ये भी मैंने कैंडल सिखाया है। प्लीज कंफर्म। लाइव एग्जांपल है, आज का ये एग्जांपल है। ये फॉल में आपको पुट बाई करते तो प्रॉफिट आता क्या? प्लीज कंफर्म। 15 रुपए का फॉल है तो ऑब्वियसली पुट में 5 रुपए तो मिल ही जाता था। 15 रुपए का अगर स्टॉक में फॉल है तो पुट में 4-5 रुपए तो इजिली मिलता था। करेक्ट। इतना समझ में आ रहा है? स्ट्राइक सिलेक्शन क्लियर है? स्ट्राइक सिलेक्शन क्लियर है कि और एग्जांपल चाहिए? प्लीज कंफर्म। स्ट्राइक सिलेक्शन क्लियर है? क्लियर है। चलो स्ट्राइक सिलेक्शन क्लियर है तो अभी हम लोग थर्ड फोर्थ टॉपिक पे जाएंगे, पोजीशन साइजिंग एंड मनी मैनेजमेंट। अब इसके कुछ रूल्स मैं आपको समझाता हूँ, पोजीशन साइजिंग एंड मनी मैनेजमेंट। ठीक है, पहले मुझे फंड साइज बताओ, कितने कैपिटल के साथ आप लोग ट्रेडिंग करते हो? जस्ट टाइप योर कैपिटल अमाउंट। आपका कैपिटल जो भी है ना वो टाइप करो। ठीक है, 50, 1 लाख, 1.5, 1.2 लाख, 80,000। ठीक है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम वी हैव कैपिटल ऑफ 50K। अज्यूम करते हैं हमारे पास कैपिटल कितना है? 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए, करेक्ट? ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना, डिवाइड दिस इनटू 10 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड करना है आपको? 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब एक पार्ट आपका कितना हुआ कैपिटल का? कैन एनीवन टेल मी? 10 पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो एक पार्ट में कितना हुआ? यस, एक पार्ट कितना हुआ? कैन एनीवन टेल मी? 10 पार्ट्स में हम लोगों ने 50,000 रुपए को डिवाइड कर दिया। ओके, सो 5,000, वेरी गुड। सो पर ट्रेड अमाउंट विल बी 5K। इतना समझ में आ रहा है? मतलब एक ट्रेड में आप 5,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ऑप्शंस बाइंग में, करेक्ट? 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट ही करना है। अगर वो 5,000 रुपए के ब्रैकेट में नहीं बैठ रहा है ट्रेड तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, करेक्ट? नॉर्मली निफ्टी का ट्रेड तो बैठ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 100 रुपए का अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो, 50 का लॉट है तो 5,000 हो गया। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। 100 रुपए का अगर आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो, 50 का लॉट है, 5,000 हो गया, करेक्ट? सो पर ट्रेड आपका 5,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। 5,500 होगा तो भी चलेगा, 4,500 होगा तो भी चलेगा, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 5,000 के आसपास का ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए पर ट्रेड। इज दिस पार्ट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। यहां तक क्लियर है? करेक्ट। ओके, नाउ टेल मी रिस्क रिवॉर्ड आप कितना फॉलो करते हो? नॉर्मली व्हाट रिस्क रिवॉर्ड यू फॉलो? या रिस्क रिवॉर्ड कई लोग फॉलो ही नहीं करते। व्हाट रिस्क रिवॉर्ड यू फॉलो? कितना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो?
यस, ट्रेडिंग में आप रिस्क रिवॉर्ड क्या फॉलो करते हो? व्हाट इज योर रिस्क रिवॉर्ड? 1:2, ठीक है? लेकिन मेनी टाइम व्हाट हैपेंस, आप 1:2 टारगेट फॉलो करते हो, बुक करते हो प्रॉफिट, लेकिन वही ऑप्शन 10 टाइम्स हो जाता है. यस और नो प्लीज रिप्लाई. देखा है आपने कई बार वही सेम ऑप्शंस 10 टाइम्स हो जाता है. 50 रुपए का कॉल 500 रुपये हो जाता है. बैंक निफ्टी में देखा है 100 रुपए का पुट 700 हो जाता है. यस और नो? आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम एबनॉर्मल भागता है समटाइम्स. यस और नो? एबनॉर्मल भागता है, राइट? तो आप ध्यान से समझना, मनी मैनेजमेंट थोड़ा समझेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रूल्स के साथ में समझा रहा हूं मैं. सो ध्यान से समझना. आर यू ऑल रेडी? प्लीज रिप्लाई. रेडी? ठीक. ट्रेलिंग एसेट के लिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में ऐड करने वाला हूँ मनी मैनेजमेंट को लेकर. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हम लोग वी विल फॉलो 20% रूल ऑफ पार्ट प्रॉफिट, ओके, एंड मूव एसएल स्टॉप लॉस टू कॉस्ट प्राइस. ठीक है, अब ध्यान से समझना. लेट अस अज्यूम वी बॉट टू लॉट्स एट 50 रुपीज ऑप्शन प्रीमियम. ठीक है, दो लॉट हम लोगों ने बाई किया है 50 रुपये प्रीमियम पे. रूल मैंने लिखा है यहां पर, वी विल फॉलो 20% रूल ऑफ पार्ट प्रॉफिट बुकिंग. कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट प्रॉफिट बुकिंग? पार्ट प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? पार्ट प्रॉफिट बुकिंग का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? पार्ट प्रॉफिट बुकिंग मींस इफ यू आर बाइंग टू लॉट्स यू हैव टू स्क्वायर ऑफ वन लॉट. इफ यू बॉट 5 लॉट्स यू कैन स्क्वायर ऑफ 2 लॉट्स और 3 लॉट्स टू बुक सम प्रॉफिट. यस और नो? पता है सबको? प्लीज रिप्लाई. मिस्टर सुहास, देविका, जीवानी, शैलेश, मिस्टर धीरज, प्लीज रिप्लाई. पार्ट प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या? अगर आपने 10 लॉट लिया है और प्राइसेस थोड़ा इंक्रीज हुआ है तो आप 5 लॉट स्क्वायर ऑफ कर दोगे, दैट इज कॉल्ड पार्ट प्रॉफिट बुकिंग. आधा क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करना, क्लोजर टू 50% क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ. ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड. 50 रुपए में हम लोगों ने 2 लॉट बाई किया है. 20% ऑफ 50 कितना होता है? 50 रुपए में बाई किया, 20% ऑफ 50 कितना होता है? ट्वेंटी परसेंट ऑफ 50 कितना होता है? यस, 20% ऑफ 50 मीन्स व्हाट? प्रीमियम हम लोगों ने 50 रुपये प्रीमियम देकर बाय किया. रूल क्या है? वी विल फॉलो 20% रूल ऑफ पार्ट प्रॉफिट बुकिंग. सो नाउ अंडरस्टैंड, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग we will do at 50 rupees plus 20% of 50, okay, which is 20% of 50 means 10 rupees, right? Please reply. Correct. So part profit booking will be done at rupees 63. इतना समझ में आया? प्लीज रिप्लाई.
मतलब 20% अगर ऑप्शन फेवर में गया तो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग में कर लूंगा। यहां तक क्लियर है? पार्ट प्रॉफिट बुकिंग मतलब वन लॉट वी विल स्वर ऑफ एंड वन लॉट वी विल होल्ड विथ स्टॉप लॉस एट कॉस्ट प्राइस। क्लियर है यहां तक? प्लीज रिप्लाई। इतना समझ में आ रहा है मिस्टर धीरज, मिस्टर आदित्य, मिस्टर राकेश? ये क्लियर है यहां तक? ओके, सो नाउ चांसेस ऑफ लॉस इन दिस ट्रेड इज वेरी लेस। लॉस होने का चांस कम हो गया क्या? अभी अगर प्राइजेस रिवर्स भी आएगा तो स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ही होगा ना, तो लॉस होने का चांस कम हो गया। लॉस होने का चांस कम हो गया, करेक्ट। अब ध्यान देना यहां पर, आफ्टर दैट प्रीमियम बिकम्स लेट्स से 150 और 200, विल आई मेक प्रॉफिट? विल आई मेक प्रॉफिट? अगर प्रीमियम इतना होता है तो मुझे प्रॉफिट आएगा क्या? आएगा ना, क्योंकि एक लॉट तो मेरा ओपन ही है। यस और नो प्लीज रिप्लाई। एक लॉट तो मेरा ओपन ही है ना, जीवनी, शैलेश, समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने लेट से दो लॉट 100 रुपए में लिए होते तो मेरा एग्जिट लेवल क्या होता? कैन एनीवन टेल मी? तो मेरा एग्जिट लेवल कितना होता? अगर मैंने 100 रुपए में लिए होते तो मेरा एग्जिट लेवल कितना होता? पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कितना होता? सॉरी, नॉट एग्जिट लेवल, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कितना होता? वन ट्वेंटी होता, 20% ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, करेक्ट। यस, अगर मैंने 200 रुपए का कॉल लिया तो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कितना होता? 240 होता। समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन इजी है, इजी है। एक लॉट अगर होगा तो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे? एक लॉट होगा तो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग आप रूल फॉलो नहीं कर सकते। तो एक लॉट में आपको जैसे 20% टारगेट होगा वैसे ही आपको निकल जाना है, ठीक है? 20% का ही रूल फॉलो करो फिर, वो भी चलेगा। Yes, एक बार के लिए आपको कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या क्या करो मैं आपको समझाता हूँ, 20% जब जाएगा ना, एक लॉट है आपके पास, लेट अस अज्यूम, ठीक है, तो 20% जब प्राइजेस फेवर में चला गया तो स्क्वायर ऑफ नहीं करना है आपको, सिर्फ स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस पे शिफ्ट कर देना है। इतना क्लियर है? स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट प्राइस पे शिफ्ट कर देना है। ये समझ में आ रहा है? अगर आपके पास एक ही लॉट है तो प्रॉफिट बुकिंग आपको नहीं करना है, स्टॉप लॉस को कॉस्ट प्राइस पे शिफ्ट कर देना है। क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। यस प्लीज रिप्लाई। ओके ठीक है, मैं कुछ टेस्ट लेता हूं। चलो टेस्ट लेता हूं। मेरी एक लॉट मैंने बाय किया है एट द रेट 150, वॉट विल बी माई ट्रेलिंग पार्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल? कैन एन वन टेल मी पार्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल कितना होगा? पार्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल कितना होगा? कैन एन वन टेल मी? एक लॉट मैंने बाई किया 150 पे, कोई भी स्ट्राइक प्राइस, कोई भी स्ट्राइक प्राइस, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल कितना होगा? 20% ऑफ 150 which is 30 rupees, so 180 will be part profit booking level. Itna clear hai? Correct. Okay. Now tell me, ek hi lot hai mere paas, to part profit booking karunga kya main? Ek hi lot hai mere paas, part profit booking karunga main? Nahi karunga, nahi. Stop loss cost price pe modify kar dunga. स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे मॉडिफाई कर दूंगा,
स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे मॉडिफाई कर दूंगा। यस, इतना समझ में आ रहा है, सिंपल है। पर अगर मेरे पास लेट से चार लॉट है तो मैं पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करूंगा क्या? प्लीज रिप्लाई। सॉरी, या चार लॉट बाय किया है तो प्रॉफिट बुकिंग करूंगा या नहीं करूंगा? पार्ट प्रॉफिट बुकिंग मिस्टर सुहास, चार लॉट बाय किया है, करूंगा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। कितने पे करेंगे पार्ट प्रॉफिट बुकिंग एंड कितना लॉट स्क्वायर ऑफ करेंगे? कैन एनीवन टेल मी? पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो कितना लॉट स्क्वायर ऑफ करेंगे एंड कितने प्राइस पे करेंगे? 180 पे करेंगे, दो लॉट करेंगे एंड बाकी का दो लॉट कॉस्ट प्राइस पे स्टॉप लॉस रखेंगे। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? कैलकुलेशन एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है? जीवानी, देविका, मिस्टर सुहास, प्लीज रिप्लाई। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? व्हाट विल बी द इनिशियल स्टॉप लॉस? अच्छा, इनिशियल स्टॉप लॉस क्या होगा आप ध्यान से समझना। वापस इनिशियल स्टॉप लॉस के लिए हमें हमारे सेटअप पे जाना पड़ेगा। अगर आपको याद है, इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूं। इनिशियल स्टॉप लॉस कितना होगा इसके लिए, अगर आपको याद है, ये हमारा सेटअप था, यस और नो? ठीक है, यहां से प्राइजेस गिरना चाहिए, करेक्ट, यहां से प्राइजेस फॉल आना चाहिए, लेकिन प्राइसेस ऊपर अगर जा रहा है और ये लेवल ब्रेक करता है तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, ये कैंडल का हाई। सो कैंडल सेटअप विल बी योर स्टॉप लॉस। इज दिस पार्ट क्लियर? स्टॉप लॉस विल नॉट बी एज पर द प्रीमियम, स्टॉप लॉस विल बी एज पर योर कैंडल सेटअप। कैंडल के जो सेटअप सिखाए हैं उसमें जो स्टॉप लॉस बताया है वो स्टॉप लॉस होगा। अगर यहां पे प्राइसेस क्रॉस करता है ये कैंडल का हाई तो वॉट एवर द प्रीमियम आई विल एग्जिट। इज दिस पार्ट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। इनिशियल स्टॉप लॉस, ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस, ट्रेड लेते टाइम स्टॉप लॉस, और ये मैंने बताया है ट्रेड फेवर में जाने के बाद ट्रेलिंग एसएल कैसे करना है, करेक्ट, ट्रेलिंग कैसे कैसे करना है। ओके, एक काम करते हैं, अभी एज्यूम करते हैं और ट्रेड लेट अस अज्यूम, आपने मनी मैनेजमेंट का थोड़ा रूल समझाता हूं। लेट अस अज्यूम यू टेकन 10 ट्रेड्स एंड आउट ऑफ 10 ट्रेड्स 7 प्रॉफिट एंड 3 लॉस, टोटल नेट ऑफ प्रॉफिट लेट से 50K। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50,000 प्रॉफिट किया नेट ऑफ 10 ट्रेड करके। नाउ योर कैपिटल बिकम्स 1 लाख, यस और नो? प्लीज रिप्लाई। क्योंकि स्टार्टिंग में आपका कैपिटल 50,000 था, लेट अस अज्यूम आपने 10 ट्रेड लिया, 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड प्रॉफिट वाला हुआ, 3 ट्रेड लॉस वाला, टोटल नेट ऑफ प्रॉफिट यू मेड 50K। सो नाउ योर कैपिटल विल बिकम 1 लाख, यस और नो? मिस्टर शैलेश, मिस्टर धीरज, मिस्टर दिव्यनिवार, जीवानी, यस और नो? याद है ना, पहले 50,000 कैपिटल था, अभी 1 लाख हो जाएगा। ओके, so now
Can anyone reply me? Per trade amount will become now rupees. You have to answer me. Yeah, आपको answer करना. Can I increase quantity? Very good. अभी amount per trade कितना हो जाएगा? 10,000 और quantity क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा. Better way, अच्छा method लगा. Please reply. अच्छा method लगा. मेथड अच्छा लगा, यस और नो? क्वांटिटी कैसे इंक्रीज करना, ये मेथड अच्छा लगा? मिस्टर शैलेश, मिस्टर सुहास, करेक्ट. कैपिटल अगर 2 लाख हो गया तो मेरा पर ट्रेड अमाउंट 20,000 हो जाएगा. कैपिटल अगर 5 लाख हो गया तो पर ट्रेड अमाउंट 50,000 हो जाएगा, करेक्ट. सो वी आर टेकिंग रिस्क ऑन प्रॉफिट, नॉट रिस्क ऑन ओरिजिनल कैपिटल. जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है ना, उस हिसाब से प्रॉफिट पर रिस्क लेकर हम लोग क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड रिस्क ऑन प्रॉफिट एंड रिस्क ऑन कैपिटल. ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? रिस्क ऑन प्रॉफिट ले रहे हैं हम लोग. प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, उससे कैपिटल इंक्रीज हुआ और फिर हम लोग क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, करेक्ट. अगर लेट से यहां पर मुझे लॉस होता, लेट से यहां पर मेरा लॉस होता, नेट ऑफ लॉस रुपीज 10,000, नाउ माय कैपिटल विल बिकम 40K एंड आई विल रिड्यूस क्वांटिटी, पर ट्रेड अमाउंट विल बी 4K. अंडरस्टूड, यस और नो? थोड़ा मैं क्वांटिटी क्या कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा और मेरा पर ट्रेड अमाउंट कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा. ये क्लियर है? प्लीज रिप्लाई. इतना समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन क्लियर है? रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है. एक काम करते हैं, हम लोग 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड आफ्टर दैट विल कंटिन्यू. Can you hear me? We can start. Please reply in the chat box. आवाज आ रही है? देविका, जीवानी, मिस्टर शैलेश, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? ओके. सो स्ट्राइक सिलेक्शन पार्ट क्लियर है, पोजिशन साइजिंग पार्ट क्लियर है, मनी मैनेजमेंट पार्ट क्लियर है, यस और नो? करेक्ट. यहां तक क्लियर है? ये दोनों पॉइंट हम लोग ने कवर किए, पोजीशन साइजिंग, स्ट्राइक सिलेक्शन, मनी मैनेजमेंट. अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लोग करते हैं. रेडी? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, ध्यान से देखना. लेट अस अज्यूम हम लोगों ने निफ्टी का 15,900 का, या 15,000, हाँ चलो 900 का पी बाय किया. लेट अस अज्यूम, ठीक है, ये हम लोगों ने पुट बाई किया है, एज्यूम करते हैं ये. तो मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता रहा हूं कैसे करना है. एक काम करते हैं, बाइंग वाला ही सेटअप लेते हैं ना, इजी रहेगा. फॉर एग्जांपल लेट से ये कैंडल में हम लोगों ने बाई किया है, फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, एसएल विल बी ट्रेलिंग एसएल लो ऑफ प्रीवियस कैंडल इनफैक्ट माइनस टू प्रीवियस कैंडल और माइनस या माइनस टू प्रीवियस कैंडल. So low of minus two previous candle. So now understand what do you mean by minus two previous candle? Okay, what do you mean by that?
स्क्रीन दिख रहा है मेरा, प्लीज रिप्लाई। स्क्रीन दिख रहा है ना, ये कैंडल में हम लोगों ने बाई किया है, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको ग्रीन कलर देता हूँ, इजीली समझ में आएगा। वेट, कलर ग्रीन देता हूँ। ये कैंडल में हम लोगों ने बाई किया है, ठीक है। लेट अस अज्यूम ये कैंडल फॉर्म हुआ, तब हम लोगों ने ट्रेड लिया, बाई किया। ये ऑप्शंस के चार्ट की बात कर रहा हूँ, ट्रेलिंग एसएल ऑप्शंस के चार्ट पे करना है। यहां पर एक कैंडल है और यहां पर एक कैंडल है, तो दिस कैंडल बिकम्स माइनस वन एंड दिस कैंडल बिकम्स माइनस टू, यस और नो प्लीज रिप्लाई। माइनस वन मतलब प्रीवियस कैंडल, माइनस टू मतलब एक और छोड़ के प्रीवियस कैंडल, इतना क्लियर है। माइनस वन का मतलब होता है प्रीवियस कैंडल, माइनस टू का मतलब होता है एक कैंडल छोड़कर उसका प्रीवियस कैंडल, करेक्ट। तो ये कैंडल का जो लो होगा ना, दैट विल बी आवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, दिस विल बी योर टीएसएल लो ऑफ दिस, इसका लो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, करेक्ट। तो जैसे जैसे कैंडल ऊपर जाएगा, जैसे यहां पे ऊपर गया, यहां पे ऊपर गया, ठीक है, यहां पे ऊपर गया और गए और जा रहा है, तो स्टॉप लॉस हमारा ये हो जाएगा। अब ये कैंडल के हिसाब से प्रीवियस कैंडल का माइनस टू कैंडल मतलब स्टॉप लॉस विल बी दिस, इतना समझ में आ रहा है, प्लीज रिप्लाई। यहां तक क्लियर है, जीवानी सुहास करें, इसका एक फोटो ले लो एंड रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। फोटो ले लो, रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स, डन। 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, एवरीथिंग इज ऑन 15 मिनट चार्ट, बट कंसेप्ट क्लियर है क्या, प्लीज रिप्लाई। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, ठीक ठीक है। और कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, और कैसे सीखना है, ओके। हैव यू एंजॉयड ये 2 दिन का वेबिनार, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सीखने मिला आपको? कितने लोगों को और सीखना है, कितने लोगों को और सीखना है? बैंक निफ्टी का एग्जांपल, ठीक है, बैंक निफ्टी का एग्जांपल मैं देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी डाला है मेंबर्स ओनली के लिए, ऑप्शंस बाइंग का जो कोर्स है ना, उसका रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे डाल दिया मैंने, इसका भी रिकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये मेरा लेटेस्ट वीडियो है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेटेस्ट वीडियो में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऐप का लिंक मिलता है। ये देखो प्रीमियम ग्रुप का लिंक, जो कई लोग पूछ रहे थे ना, प्रीमियम ग्रुप्स के लिंक ये है। ऐप में यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस कोर्स मिलेगा। तो जो मैंने सेटअप सिखाया है ना, वो अगर आपको और भी एडवांस लेवल पे सीखना है और नए नए सेटअप सीखना है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स में आपको काफी कुछ चीजें सीखने मिलती है, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने दिया है, मैं मैसेज कर रहा हूँ, चेक कर दो, इसका लिंक मैंने दे दिया है, मैसेज मिला, चेक कर लो, ठीक है। बैंक निफ्टी का एग्जांपल देखते हैं, करेक्ट, बैंक निफ्टी का एग्जांपल देखते हैं, वेट ऑन मिनट। बैंक निफ्टी का एग्जांपल देखते हैं, कहाँ पे गया, न्यू शेयर, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन का चार्ट दिख रहा है क्या, 34,000 का पुट ऑप्शन चार्ट दिख रहा है मेरा स्क्रीन, 34,000 का पुट का चार्ट है ये, मिस्टर धीरज दिख रहा है मेरा स्क्रीन, प्लीज रिप्लाई। 34,000 का पुट का चार्ट है, 25,000 के कैपिटल से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन विल बी सेम, या ये कैलकुलेशन के हिसाब से चलना है आपको। तो 10 पार्ट में आप डिवाइड करोगे 10 पार्ट्स में पहले कैपिटल को, और पर ट्रेड विल बी 2,500, तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट विल बी 2,500, करेक्ट, और 20% रूल, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग, ये सब फॉलो करना है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ध्यान से, यहां पर
लेट अस अज्यूम मैं ये कैंडल में मैंने बाई किया यहां पर कहीं पे, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करूंगा मैं 20% पे, यस और नो? 300 रुपए वाला पुट अगर 400 साढ़े 400 हुआ है तो 20% पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और स्टॉप लॉस में कॉस्ट प्राइस पे लगा दूंगा, करेक्ट? स्टॉप लॉस में कॉस्ट प्राइस पे लगा दूंगा, ये एक तरीका हुआ। या फिर अगर आपको ट्रेलिंग एसएल करना है तो ये कैंडल में स्टॉप लॉस हुआ ये कैंडल के लो का, सो यहां पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। इतना समझ में आ रहा है? एक काम करते हैं और एग्जांपल दिखाता हूं तो बेटर समझ में आएगा। वेट, ये देखो यहां पे देखना, ये कैंडल में बाई किया, यहां पे प्राइस आ गया, मेरा स्टॉप लॉस कौन से कैंडल का लो होगा? कैन एनीवन टेल मी? ये कैंडल पे प्राइस आ गया, मेरा स्टॉप लॉस कौन से कैंडल का लो होगा? माय स्टॉप लॉस विल बी दिस, ये कैंडल का लो। प्राइसेस ये कैंडल में आ गया, माय स्टॉप लॉस विल बी दिस। प्राइसेस ये कैंडल में, माय स्टॉप लॉस विल बी दिस। तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, यस और नो प्लीज रिप्लाई। सिंपल समझ में आ रहा है? ये कैंडल में मैंने बाई किया, प्राइसेस जैसे जैसे ऊपर गया है, स्टॉप लॉस मैंने यहां पर रखा, ये कैंडल का लो रखा, ये कैंडल का लो रखा और यहां से प्राइसेस गिरा, तब ये स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हो गया। बैंक निफ्टी का एग्जांपल समझ में आया? प्लीज कंफर्म, प्लीज रिप्लाई। हाँ, एकदम टॉप आप नहीं पकड़ते मिस्टर सुहास, लेकिन फिर भी आपने कितना 850 में लेके 1100 में एग्जिट किया है, ठीक है, स्टिल इट्स अ गुड प्रॉफिट। 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में कैप्चर करना, दैट इज ऑल्सो गुड प्रॉफिट। अरे और एग्जाम्पल देखते हैं, बैंक निफ्टी का और एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, यहां पर मैंने बाई किया, कैंडल टू कैंडल देखो मेरा लो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, कैंडल टू कैंडल। अगर यहां पे प्राइस है तो मेरा ये स्टॉप लॉस होगा, ये कैंडल है तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये कैंडल है तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, ये कैंडल में दिख रहा है, प्लीज रिप्लाई। ये कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर है, एक कैंडल छोड़ के दूसरा कैंडल का लो, दैट विल बी माय स्टॉप लॉस, करेक्ट है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? प्लीज रिप्लाई। यस, एक कैंडल छोड़ के दूसरा कैंडल, प्रीवियस कैंडल जो है उसका प्रीवियस, उस वो कैंडल का लो विल बी माय स्टॉप लॉस, करेक्ट? ओके, ये कोर्स का लिंक मिला सबको? मिला लिंक सबको? मिला, ठीक है। अगर आपको सीखना है आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेना, इसमें और भी बहुत सारे सेटअप्स मैंने सिखाए हैं, बोलिंजर बैंड वगैरह, इंट्राडे स्विंग सेटअप्स वगैरह सब कुछ मैंने सिखाया है, पैराबोलिक सार है, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए हैं, ब्लाइंड आरएसआई स्ट्रेटजी भी सिखाई हुई है, तो ये जरूर करना, ये कोर्स आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा। इसमें पूरा प्राइस एक्शन कवर है स्टार्ट से लेके एंड तक, और ये कोर्स में अभी एक और मैं बता देता हूँ, 30 डेज रिफंड पॉलिसी चल रहा है। तो कोर्स ज्वाइन करने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है या कोर्स समझ में नहीं आ रहा है या व्हाटएवर, तो 30 डेज में आप रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोर्स अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया, आपको लग रहा है कि कुछ भी सीखने नहीं मिला है, तो 30 डेज रिफंड पॉलिसी भी है ये कोर्स में, टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में, करेक्ट? तो आप आज ही बाय कर सकते हो 30 डेज रिफंड पॉलिसी के साथ में, ठीक है। अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली आप रिफंड नहीं लोगे, बट लेट्स से आपको डर लग रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा या आपको कुछ भी सीखने नहीं मिलेगा, देन यू कैन गो फॉर दिस। आपको कुछ भी अगर सीखने नहीं मिलता, आपको लगता है कि कुछ नहीं सीखने मिला, तो आप इसके लिए जा सकते हो, बट ये ऑफर अभी चल रहा है, ठीक है? ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स, इंट्राडे ऑप्शंस बाइंग कोर्स। आई होप आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा और काफी कुछ समझ में आया होगा, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रूल समझ में आया, मनी मैनेजमेंट समझ में आया, रिस्क मैनेजमेंट समझ में आया, स्ट्राइक सिलेक्शन समझ में आया होगा। प्लीज कंफर्म यस और नो। ओके, सो थैंक्स लॉट फॉर अटेंडिंग द वेबिनार एंड सी यू होपफुली इन द नेक्स्ट अपकमिंग प्रोग्राम्स, अपकमिंग वेबिनार्स में मिलेंगे। सो हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू, थैंक यू।